फ्रेंड्स, स्वागत है आपका नए वीडियो में। आज के वीडियो में बात करने वाले हैं डेवलपर मोड हम कैसे इनेबल कर सकते हैं, यानी कि जो डेवलपर मोड होता है हमारा, हम उसको कैसे इनेबल कर सकते हैं, ऑन कर सकते हैं, इसके बारे में बताने वाला हूँ। और कैसे इसको यूज़ कर सकते हैं इसके बारे में भी बताऊँगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, सेटिंग बजाना है, तो क्लिक कर लेंगे। सेटिंग पे जाते ही क्लिक करते ही आपको इस तरीके का आइकन शो करेगा। आपको यहाँ पर क्या करना है, थोड़ा सा ऊपर की साइड स्क्रॉल करना है और ये आप देख सकते हैं सिस्टम वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपको इस तरीके का आइकन शो करेगा। आपको यहाँ पर क्या करना होगा, जैसे कि आप देख सकते हैं डेवलपर ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ से इसे ऑन कर देना है। अगर आपका इस तरीके से ऑन नहीं है तो ऑन कर दीजिए, ओके कर दीजिए। और ये किस तरीके से यूज़ होता है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं ये आपका सिस्टम से ऑन हुआ है और ये आपका शो करेगा, जैसे कि गेम वगैरह के लिए होता है। और आपका ऑफ़ करने के लिए होता है, जैसे कि गेम के लिए होता है, गेम में बहुत सारी सेटिंग होती है उसके लिए यूज़ होता है। ज़्यादातर तो फ्रेंड्स गेम के लिए यूज़ होता है, जैसे बच्चे वगैरह गेम वगैरह खेलते हैं तो डेवलपर मोड को ऑफ़ करते हैं। तो उम्मीद है फ्रेंड्स वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।